हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो कैसे हैं सब लोग? मस्त, गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। डी फार्म फर्स्ट ईयर चैप्टर क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को लेकर के कुछ हम लोग बातें कर रहे थे, कुछ बेसिक सी बातें कर रहे थे, और इसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग इसमें समझेंगे अबाउट लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, और यहां पर आज हम दो चीजों के बारे में लिमिट टेस्ट को समझेंगे, एक आर्सेनिक और एक क्लोराइड। ठीक है ना? अब लिमिट टेस्ट होते क्या हैं, समझते हैं इनको। लिमिट टेस्ट, देखो बात समझ में आ रही होगी, लिमिट कोई चीज जो लिमिट होती है, और टेस्ट जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग लिमिट टेस्ट क्या है हमारे पास। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो कह रहा है डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव। कैसे डिफाइन कर रहा है इसको? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी। देखो क्वांटिटेटिव जो वर्ड बना है, ये बना हुआ है क्वांटिटी से। ठीक है ना? या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई। क्या हमें ढूंढना है? एक तो ढूंढना है और कंट्रोल करना है, यानी कि हम लोग किसी चीज को ढूंढेंगे और उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। क्या चीज है? स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। होता क्या एक्चुअली, हम लोग जब मेडिकल फॉर्मुलेशन मतलब कि दवाइयों को बनाते हैं फैक्ट्रीज में, बहुत बड़े बड़े लॉट बनते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब हजार हजार केजी की एक साथ दवाइयां बनती है, उसमें कई बार कुछ खास तरह की इंप्योरिटीज बड़ी कॉमन देखी जाती हैं, आर्सेनिक की, क्लोराइड्स की, आयरन की, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं। ये आजकल क्या है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जनरली हमारे जो रॉक, जो चट्टाने वगैरह होती है ना, नदियों से पानी वगैरह आ रहा है, ठीक है, इनमें जनरली ये पाया जाता है। पानी जमीन से निकल के आ रहा है, इनमें भी कई बार पाया जाता है। और होता क्या है, कई बार कई जगह कई शहरों में जो पानी होता है बड़ा गंदा होता है, ठीक है। अगर हम उस पानी का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो हमारा फॉर्मुलेशन तैयार हो रहा है उसके अंदर ये कुछ जो मेटल्स हैं या कुछ इंप्योरिटीज ऐसी हैं जो कि क्या है, बहुत ही कम मात्रा में होनी चाहिए। अगर एक खास लिमिट के बाहर पाई गई या एक खास लिमिट के बाहर दवाइयों में है और उसको हम लगातार यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट आ सकते हैं। कैसे, क्या हो सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ बात हो रही है आर्सेनिक की, काफी ये जो है पॉइजनस होता है मेटल, अगर बहुत लंबे टाइम तक उसको खाते रहें तो बहुत जल्दी बॉडी के ऊपर क्या करता है, ये इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। तो आखिरकार आर्सेनिक कर क्या रहा है, क्यों हमें आर्सेनिक को रोकना है कि इस अमाउंट से ज्यादा दवाइयों के अंदर नहीं होना चाहिए, और जहां तक संभावना हो ही ना, अगर होता भी है तो एक खास अमाउंट है, एक खास उसकी लिमिट है, उसके बाहर उसको नहीं होना है। उसके बाहर अगर वो पाया जाता है तो वो क्या करता है, बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। क्या इफेक्ट होते हैं? कह रहा है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब बहुत लंबे समय तक हम लोग उसको खा रहे हैं, एक्सपोज कर, एक्सपोज है ना मतलब वो चीज हमारी बॉडी में जा रही है। आर्सेनिक कॉज कैंसर एंड स्किन लेसेंस। ठीक है, हमारी स्किन पे चटकना वगैरह होती है, हमारी स्किन में जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी वो क्रिएट हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात तो कैंसर है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत लंबे समय तक अगर हम इसको खाते रहते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर मतलब जितनी भी हार्ट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कैसी, हार्ट, हार्ट रिलेटेड, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्रिएट कर सकता है। डायबिटीज, देखो ना आजकल बड़ा कॉमन है, पुराने टाइम पे ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये सब क्यों इतनी ज्यादा कॉमन हो रही है, क्योंकि जो हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, प्लस और भी कई सारी चीजें, हम लोग जो पानी पीते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर में भी कई बार क्या रहता है, आर्सेनिक रहता है, हमें पता ही नहीं होता उसके अंदर आर्सेनिक का, बहुत लंबे टाइम तक पी रहे हैं 20 साल 30 साल 40 साल, और आगे जाकर के पता चला क्या हो गया, कैंसर हो गया। पता चल रहा ना कभी सिगरेट पी, ना शराब पी, कुछ नहीं किया, लेकिन क्या हो गया, कैंसर हो गया, पता ही नहीं है, अननोन कारण। ठीक है ना? एक्सपोजर इन अर्ली चाइल्डहुड, अगर बचपन में ही इसका एक्सपोजर हो जाए, यानी कि आर्सेनिक बॉडी में बचपन में ही जाने लगे, तो क्या करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर असर करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति, यानी कि कोई चीज सामने से ऐसे आ रही है तो मेरी बॉडी क्या करती है, डिफेंस में ऐसे हाथ आगे कर लेगी, ये कॉग्निटिव हुआ। क्या हुआ, ये कॉग्निटिव, बॉडी ने डिफेंस वाला, एकदम मेरे हाथ आगे आ रहे हैं उसको रोक रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, ये सब क्या हो रहा है, कॉग्निटिव हो रहा है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है
बच्चे के अंदर, ठीक है, बहुत सारे केसेस में अगर सही टाइम पे इसको नहीं रोका गया डेथ तक हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा हमने यहां जानने की कोशिश करी कि आखिरकार क्यों टेस्ट करना है, क्यों टेस्ट करना है कि हम ये इंप्योरिटीज है तो उसको क्यों टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा इतनी खतरनाक चीजें हो सकती है हमारी बॉडी के ऊपर, इनका इफेक्ट हो सकता है इतना खतरनाक, तो इसीलिए इनके टेस्ट जरूरी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डज आर्सेनिक कम फ्रॉम। जैसे मैंने कहा अभी, आर्सेनिक कहां से आ, कहां से रहा है, क्यों हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो कह रहा है आर्सेनिक इज एन एलिमेंट। ओके, बात हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में पता है ना आर्सेनिक कहां पर होती है। ओके, नेचुरली इन रॉक, चट्टानों में पाया जाता है और सॉइल में पाया जाएगा, नेचुरली है ये, ठीक है। अब सॉइल को, मिट्टी तो हम लोग खाते नहीं है, पत्थर को भी खाते नहीं, लेकिन वहां से क्या होता है, ये नदियां वगैरह आ रही हैं, उस पानी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो पानी हमारी बॉडी में धीरे धीरे क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक। नाउडेज आजकल वाटर इज ऑल्सो कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है, दूषित। कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, दूषित। पानी भी आजकल क्या हो गया, दूषित हो गया है विद आर्सेनिक इन सम एरियाज, है ना, कहीं पे इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, कहीं पे इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। सिंस द चांस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज हाई, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का चांस ऑफ कंटेमिनेशन काफी ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, टेस्ट इसके करने पड़ते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक बात समझ में आई हमको, अब एक मोटिव मिला हमें कि टेस्ट करने क्यों है। ओके, टेस्ट करने क्यों है, एक मोटिव मिल गया हमको। अब समझते हैं इसको क्या है, इसके अंदर इस टेस्ट को करने का प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत है, किसी खास तरह के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारे सैंपल में आर्सेनिक है, हम लोग कैसे पहचान लेंगे कि हमारे सैंपल में क्या है, आर्सेनिक है। तो होता क्या है, जनरली जब हमारे सैंपल में आर्सेनिक रहता है वो जनरली आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। हम लोग करते क्या है, इस आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, A3ASO4 को H3ASO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट मतलब क्या होता है, जो नेसेंट होता है जो सिंगल हाइड्रोजन है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इससे रिएक्ट कराकर क्या बना लेते हैं, आर्सीन गैस, है ना, AsH3। इस आर्सिन गैस को मतलब जहां पे हमारा रिएक्शन चल रही होती है, जैसे ही आर्सिन गैस बनती है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को ले जाकर के उसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। अगर आर्सिन गैस अगर निकलेगी, अगर उसके अंदर आर्सेनिक होगा तो आर्सेनिक गैस निकलेगी, अदरवाइज आर्सेनिक गैस नहीं निकलेगी, आर्सिन गैस नहीं निकलेगी। और अगर ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से पास होती हुई आर्सिन गैस निकलेगी तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर कैसा हो जाता है, येल्लो हो जाता है, कैसा हो जाता है, येल्लो हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम लोग बुक में ऐसा भी देख सकते हो, जनरली इसी टाइप से मिलता है हमको, AsH2 और AsH2। तो प्रिंसिपल क्या आ रहा हमको, हम मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को जब उसके ऊपर रखते हैं तो कैसा हो जाता है, येल्लो स्टेन हो जाता है। अब ये जो येल्लो स्टेन यानी कि येल्लो कलर का दाग पड़ जाता है उस पेपर के ऊपर, हम लोग उस कलर की इंटेंसिटी मतलब कलर कितना गाढ़ा है, ठीक है, उसको चेक करते हैं। गाढ़ापन की एक लिमिट है, अगर उससे ज्यादा गाढ़ा आ रहा है इसका मतलब आर्सेनिक की मात्रा उसके अंदर ज्यादा है। तो रीड करते हैं एक बार, समझते हैं, तीन स्टेप की प्रोसेस है प्रिंसिपल में। स्टेप वन में क्या हो रहा है, द आर्सेनिक इंप्योरिटी इन द सैंपल, जो हमारे सैंपल में, इज कन्वर्टेड इंटू आर्सेनियस एसिड, किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, आर्सेनियस एसिड में, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बता चुका हूं मैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, यानी कि या तो एच देंगे या उससे ओ छीन लेंगे। लाइक ये मेरे पास क्या है, नाम लिख देता हूं, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, दिस इज जिंक, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, इनकी हेल्प से। और लास्ट में हमारे पास क्या है, स्टेनलेस क्लोराइड, इनकी हेल्प से हम लोग आर्सेनिक एसिड को किससे बदल ले रहे हैं, आर्सेनियस एसिड में बदल रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, जो आर्सेनियस एसिड इज रिड्यूस्ड टू आर्सिन, हम इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं आर्सिन में बाय द एक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मतलब मैं बता देता हूं, फ्री हाइड्रोजन काफी रिएक्टिव होती है, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन होती है,
खाली एक ओ एटम जो किसी से अभी तक रिएक्ट नहीं हुआ, तुरंत रिएक्ट करने को ये तैयार रहती है, तुरंत इसको क्या कर देगी, ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड, ये बनाई हाइड्रोजन आती कहां से है, ये हाइड्रोजन आती है हम लोग किसको रिएक्ट करवाते हैं आपस में, जेडन और HCl, ये भी मिला होता है, जैसे इसको रिएक्ट कराते हैं यहां से क्या जेडन सीएल अलग हो जाता है, यहां से मेरे पास क्या निकल के बाहर हो जाएगा, जिंक क्लोराइड अलग हो जाता है, ठीक है, जेडन सीएल टू प्लस ये H मेरे पास खाली बच जाते हैं इधर पे, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसको हम लोग सीएल सीएल को, तो इधर 6H मिल जाते हैं मेरे को, तो इस तरीके से यहां से क्या मिल रहा है मेरे को, H मिल जा रहा है, ये H इससे कंबाइंड करके AS को बाहर निकाल दे रहा है, और ये H और O वाटर मॉलिक्यूल मिलके क्या हो जाएंगे, ये अलग आ जाएंगे। खैर आगे आते हैं, द लिबरेटेड आर्सिन गैस, ये जो गैस लिबरेट हो रही है, लिबरेट मतलब बाहर निकल रही है, आर्सिन गैस रिएक्ट विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, किससे रिएक्ट कर रही है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, दिस इज मर्क्यूरिक क्लोराइड, इससे रिएक्ट कर रही है। मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर एक्चुअली क्या होता है, पेपर होता है, उसमें डिप कर देते हैं तो मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर हो जाता है ये, एंड फॉर्म्स येलो स्टेन, ठीक है ना, ये क्या बना रहा है, येलो स्टेन। तो ये प्रिंसिपल है इसका, इंपॉर्टेंट अगर कभी आता है तो हमें हमेशा टेस्ट में प्रिंसिपल लिखना होता है। क्लियर होगी बातें, चलते हैं आगे, फिर क्या कह रहा है, देखो प्रिंसिपल हो गया, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस, मैंने बताया था जो कलर का गाढ़ापन, इंटेंसिटी मतलब कलर कितना गाढ़ा है, कलर कितना गाढ़ा है, कितना इंटेंस है, ऑफ द कलर प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट, यानी कि आर्सेनिक कितनी ज्यादा मौजूद है मेरे सैंपल में, आर्सेनिक कितनी ज्यादा मौजूद है उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि कलर की इंटेंसिटी, मेरा येलो कलर कितना गाढ़ा आ रहा है। The test solution of the sample is compared with the standard solution. अब जो हमने सैंपल का वो बनाया, मतलब एक टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं और एक हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड, चेक करने का तरीका क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जो मैं अपना फॉर्मुलेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फॉर्मुलेशन कर रहा हूं, यहां से मैं एक टेस्ट सैंपल तैयार करता हूं, क्या तैयार करता हूं, टेस्ट सैंपल, फिर एक स्टैंडर्ड सैंपल तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है, स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल में क्या होता है, हम लोग एक खास अमाउंट ऑफ आर्सेनिक ले लेते हैं, वो जो आर्सेनिक जब ले लेंगे हम लोग, और फिर जब उस खास अमाउंट ऑफ आर्सेनिक से जब आर्सिन गैस बाहर निकलेगी तो मेरा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर क्या हो जाएगा, येलो स्टेन देगा, वो एक स्टैंडर्ड कलर होगा, वो जो पीलापन होगा उसके अंदर वो एक स्टैंडर्ड, मतलब कितना पीलापन है वो उतना मैक्सिमम है, उतना क्या होगा मैक्सिमम, उसके पीलेपन से इस टेस्ट सैंपल के पीलेपन को मैं क्या करवा लूंगा, कंपेयर करा लूंगा, अगर ये टेस्ट सैंपल का पीलापन इस स्टैंडर्ड सैंपल के पीलेपन से ज्यादा हो गया तो ये सैंपल फेल हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं सैंपल को हटा देते हैं या इसको प्रोसेस में डाल देंगे जिससे कि आर्सेनिक यहां से हट सके। अदरवाइज अगर इस सैंपल से मेरा इसका पीलापन कम है तो ये सैंपल मेरा पास हो जाता है और इसको हम लोग आगे मेडिसिन बनाने के लिए पास कर देते हैं और इसके जाके आगे फॉर्मुलेशन तैयार होती रहती है इसकी। बात समझ में आ रही है? तो टेस्ट सॉल्यूशन क्या है जो मैं फॉर्मुलेशन कर रहा हूं, इस कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड होती है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उतनी अमाउंट जो बुक्स में होती है हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में, ठीक है ना, उतना अमाउंट ऑफ आर्सेनिक लेकर के हम उस सॉल्यूशन को बनाते हैं और फिर उस सॉल्यूशन से जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में पीलापन आता है उसको अपने टेस्ट सॉल्यूशन से सिंपली क्या कराते हैं, कंपेयर करवा लेते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। द स्टेन इज देन कंपेयर्ड इन नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट मतलब हम लोग धूप में जाकर के चेक करते हैं कि हाँ कौन सा किसका कलर ज्यादा, इसका कलर ज्यादा तो नहीं इससे या कम है, क्या है वो नेचुरल लाइट में जाकर के हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर होगी बातें? आगे चलते हैं, प्रोसीजर देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर है, इन दिस वी प्रिपेयर टेस्ट सॉल्यूशन, मैंने क्या बताया था, हम लोग एक क्या तैयार करेंगे, एक मेरे पास टेस्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक टेस्ट सॉल्यूशन होता है और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। तो देखो यहां पे बच्चा कई बार क्या करता है, पूरा पूरा रटने की कोशिश करता है। देखो यहां पर क्या है, डिजॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैंपल, जितना सैंपल प्रिस्क्राइब्ड है हमारे मोनोग्राफ्स में, हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जितना सैंपल बोला गया 10 ग्राम 20 ग्राम जो बोला गया उसको हम लोग कहां डाल देंगे, पानी मिला देंगे, प्लस स्टैंडर्ड HCl ले लेंगे उसको ही मिलाएंगे। अच्छा ध्यान ये रखना है,
ये वाली HCl क्या है, आर्सेनिक फ्री होनी चाहिए। अगर इसमें आर्सेनिक होगी तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाएगा। फिर क्या करेंगे, अच्छा ये सारी मैंने सिक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है सिक्वेंस वाइज। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड सोल्यूशन को मिक्स करवा देंगे। उसके बाद 10 ग्राम जिंक ले लेंगे, ये भी कैसी होनी चाहिए, आर्सेनिक फ्री होनी चाहिए। देन कीप द सोल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट, 40 मिनट के लिए हम लोग सोल्यूशन को एक तरफ रख देंगे। देन कंपेयर द स्टेन, इसमें जो स्टेन पड़ जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में, ऑन द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये रहा मेरा इधर पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब देखो जरा गौर से समझना एक बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां पर जो बात मैं बताना चाह रहा हूं वो बात ये है, देखो जरा यहां पर सिर्फ इतना, इतनी कहानी समझना। ये वाला पार्ट केवल अलग है और डिजॉल्व नोन अमाउंट ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन, केवल ये पार्ट दोनों का अलग है, बाकी इतना हिस्सा दोनों का क्या है, सेम है। बाकी इतना हिस्सा दोनों का सेम है, यानी कि यहां पे हमने सैंपल का एक नोन अमाउंट लिया कि हमें 1 ग्राम 10 ग्राम, यहां पर हमने डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन जो बनाया था, आर्सेनिक डाल करके सॉल्यूशन बनाया, कितना होता है वो प्रिस्क्राइब होता है पहले से ही, उसका सॉल्यूशन लेकर के पूरी प्रोसेस वही अपनाते हैं। यहां पे सैंपल से जो हमको क्या मिलेगा, इस सैंपल से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास क्या आने वाला है, पीलापन आएगा, और कुछ पीलापन क्या आएगा, इस वाले सैंपल से आएगा। तो सिंपल है, जैसे हम देख सकते हैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे, मैं यहां पे करता हूं, जैसे ये एक हल्का सा पीलापन है और ये एक हल्का सा, मान लो ऐसे स्पॉट सा पड़ गया ये, तो ये पीलापन है, ये पीलापन, ये पीलापन हल्का है। अगर ये हल्का है इसके कंपैरिजन में तो ये सैंपल मेरा पास हो जाता है, अदरवाइज ये सैंपल मेरा फेल हो जाएगा और फर्दर प्रोसेस के लिए चला जाएगा, इसके अंदर से प्यूरिफाई करने के लिए कि इसके अंदर आर्सेनिक कम की जाए। बात समझ में आई, प्रोसीजर में हमेशा दो सोल्यूशन बनेंगे, एक टेस्ट सोल्यूशन बनेगा और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन से टेस्ट सोल्यूशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर करवा लेते हैं। क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट, द कलर इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, देन द सैंपल इज क्वालिफाइड, अदरवाइज इट इज फेल्ड। क्लियर होगी बात, इसमें कुछ खास था नहीं। तो ओके, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो आर्सेनिक में हमारे पास इतना ही था, मतलब आर्सेनिक में क्या, टोटल 4-5 है, उसमें हमेशा हमें को इतना ही रखना है, प्रिंसिपल प्रोसीजर, ठीक है ना, और खेल खत्म इसका। यहां पर देखो इसका प्रिंसिपल थोड़ा काफी आसान है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल में क्या बातें चल रही है, ये सिंपल सी बातें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड क्लोराइड, क्लोराइड आयन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, NaCl, KCl कहीं से भी हो सकते हैं, पानी में क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, फॉर्म सिल्वर, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, दिस इज क्लोराइड आयन, दिस इज क्लोराइड आयन, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, ये मेरे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, ये व्हाइट पीपीटी यहां ना होकर के ये व्हाइट पीपीटी यहां आएगा, ये मिलकर के एजी इस सीएल के साथ क्या बना था, AgCl, जो कि एक सफेद प्रेसिपिटेट, पीपीटी मैंने बताया था ना, पाउडरी फॉर्म में सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे और नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट पीपीटी यानी कि पीपीटी का मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट मेक सॉल्यूशन टर्बिड, टर्बिड मतलब धुंधला सा, मटमैलापन, ठीक है ना, टर्बिड मतलब क्या होता है, मटमैला टाइप का, मटमैला टाइप का रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बिड। जैसे कि साफ पानी में तुम थोड़ा सा क्या डाल दो, मिट्टी डाल दो, तो हल्का सा क्या होगा, धुंधला धुंधला हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बिड बोलते हैं। तो जैसे ही ये AgCl बनेगा तो मेरा सोल्यूशन क्लियर सोल्यूशन था वो कैसा हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। अब उसकी टर्बिडिटी को मैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी से कंपेयर कर लूंगा, खेल खत्म, क्लियर। अमाउंट ऑफ क्लोराइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्बिडिटी, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अमाउंट ऑफ क्लोराइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्बिडिटी, ठीक है, जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लोराइड उसके अंदर पाया जाएगा, क्लियर है, ओके। देखते हैं आगे, इसकी प्रोसीजर समझते हैं,
यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग 1 ग्राम सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, उसको 10 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करते हैं, फिर उसके अंदर 1 ml नाइट्रिक एसिड डालते हैं। नाइट्रिक एसिड पता है ना, HNO3 डाइल्यूट द सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन मेरे पास बनकर तैयार हो गया, मान लो एक सपोज ये बीकर था, इसके अंदर मैंने 10 ml ये डाल दिया, 1 ml डाल दिया, कुछ यहां तक आ गया सपोज ये, फिर मैं इसके क्या करूंगा डाइल्यूट, यानी कि मान लो यहां तक मार्क लगा हुआ है 50 ml का, तो अब मैं इसके अंदर पानी भरूंगा, कहां तक 50 ml तक पानी भर के इसे क्या कर दूंगा डाइल्यूट कर दूंगा। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, 50 ml तक लेके आ जाऊंगा सोल्यूशन को, फिर उसके अंदर क्या करूंगा मैं 1 ml सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 था जो पीछे, ये डालूंगा जो कि 5% W/V 5% वेट बाय वॉल्यूम। शायद तुम लोगों को पता हो क्या होता है 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि मेरे 100 ग्राम सैंपल में इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं, जैसे लिखा हुआ है 5% W/V, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 ml में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है 100 ml में 5 ग्राम क्या है मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट पड़ा हुआ, 100 ml में 5 ग्राम क्या पड़ा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट पड़ा हुआ, उसमें से 1 ml ड्रॉपर की हेल्प से निकाल करके मैं इस सोल्यूशन में डाल दूंगा, सोल्यूशन का 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, और सोल्यूशन मेरा कैसा हो जाएगा टर्बिड हो जाएगा। ये तो टेस्ट वाला हो गया, फिर मैं बनाऊंगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है, 1 ml 0.01 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी होती है जो नॉर्मेलिटी सुनिए ना नॉर्मल, ठीक है ना, ये ले लूंगा HCl का, क्योंकि यहां से मेरे को क्या मिल जाएंगे क्लोराइड आयन मिल जाएंगे। बाकी पूरी प्रोसेस सेम जो यहां थी, पूरी प्रोसेस 10 ml वाटर 1 ml नाइट्रिक एसिड, ये पूरा सेम करूंगा, यहां पे अगेन फिर से क्या मिल जाएगी टर्बिडिटी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी टर्बिडिटी मिल जाएगी, और इस टर्बिडिटी को इस सोल्यूशन की टर्बिडिटी से मैं कंपेयर करा लूंगा, अगर इसकी टर्बिडिटी इससे कम है तो मेरा यह सोल्यूशन पास हो जाएगा, और मैं अपने फॉर्मुलेशन को क्या कर दूंगा आगे भेज दूंगा दवाई बनने के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन द सैंपल इज क्वालिफाइड अदरवाइज इट इज फेल्ड, सिंपल सी बात है, तो कुछ इसमें था नहीं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सल्फेट्स और आयरन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज हमने दो ही देखे, इनको अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्या होता है, और क्योंकि इसमें स्टेप वाइज काफी सारे स्टेप होते हैं किसके बाद क्या होता है, तो थोड़ा सा लर्निंग है, दो दो करके पढ़ोगे तो इजीली तुम लोगों को क्या होगा याद होगा, सारे में एक साथ करा देता लेक्चर भी लंबा हो जाता है, और फिर सारा क्या करते हैं एक साथ पढ़ने में तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत भी रहेगी, तो दो दो करके मैं कवर करवा दूंगा इसको जो हमारे कोर्स में है। तो उम्मीद करता हूं लिमिट टेस्ट तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, लिमिट टेस्ट क्या है और क्यों किए जाते हैं, ठीक है, तो इसको रिवाइज करोगे जो इसमें लिखा हुआ उसको अलग से सेपरेट कॉपी में अपना नोट कर लो और रिविजन कर करके इसको याद कर डालो, ठीक है, क्लियर है, ओके, पढ़ाई करोगे जो लिखा है उसको रिवाइज करोगे, रिवाइज करोगे तभी क्या होगा चीजें तुमको याद होंगी, क्लियर है, ऑल द बेस्ट।